राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर जहां देश भर के लोगों में उत्साह व हर्षोल्लास का वातावरण है, वहीं बड़वानी में कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी सहित कलेक्टर ने स्थानीय रेवकुंड सर्किट हाउस की पहाड़ी पर पौधारोपण किया। बड़वानी में नवीन सर्किट हाउस के पीछे रेवा पुंज की पहाड़ियों पर जिला प्रशासन ने सघन पौधारोपण किया। यह स्थान अब एक सुंदर जगह का रूप लेने लगा है। पौधों को नियमित रूप से पानी मिलता रहे, इसके लिए प्रशासन ने नजदीक के धोबड़िया तालाब से पानी की लिफ्टिंग कर पहाड़ियों की चोटी तक पहुंचाया है और ड्रिप सिस्टम के माध्यम से सभी पौधों को पानी देने की व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर शिवराज सिंह व तहसीलदार राजेश पाटीदार के नित्य परिश्रम व जन सहयोग से अब रेवा पुंज सुंदर आकार ले रहा है। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण इस जगह पर अब सैर सपाटे के लिए भी लोग खींचे चले आ रहे हैं। इस दौरान पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी यहां पहुंचे और पौधारोपण किया। आज जो जिस प्रकार से 5 तिरवड़ी लगाई गई है, ये एक ऐतिहासिक का दिन है। आज हम सब बड़वानी के जितने भी यहां पर आए हुए हैं, सब जब तक ये पौधे तो कई वर्षों तक रहेंगे और इसी को और हम जो आज यहाँ हैं इनको भी लोग याद करेंगे और हम सब मिलकर जहाँ भी पहाड़ी है इस पहाड़ी को हरी भरी करने में सभी का योगदान होना चाहिए। जो पहाड़ी है, जब पहाड़ होगा तो वर्षा भी होगी और पहाड़ नहीं होगी वर्षा नहीं होगी। और आज हम सब लोग देख रहे हैं सब पहाड़ी गोल मटर हो गई है। इसको करना जरूरी है। संसद मत से भी देंगे, विधायक मत से भी देंगे और इस बड़वानी को और क्या बड़वानी जिले को और पूरे प्रदेश को भी हरा भरा करेंगे। पीनेस क्लब के लोग कई दिनों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने इस पहाड़ी पर लगभग 8 से 10 हज़ार पौधे लगाए हुए हैं। आज बड़ा शुभ अवसर है। आज हमारे साथ में माननीय मंत्री जी, हमारे सांसद जी और यहाँ रेवा कुंज के सभी सदस्य यहाँ पहाड़ी पर उन्होंने आज 5 त्रिवेणी, जैसे कि 5 अगस्त है, और इस पर पौधारोपण कराया है। जैसे सांसद जी ने अपील किया, मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, आज जो वृक्षारोपण काम किया हमारे पूरे ज़िले में सभी लोग इस तरह समूह बना करके और जहाँ जहाँ अच्छी जगह मिल सकती हैं वृक्षारोपण करें। बड़वानी में काफ़ी स्कोप है, यहाँ पर हरा भरा करें और यहाँ की पहाड़ियों को एकदम ऐसा कर दें कि ये पिकनिक स्पॉट बने। थैंक यू। आज 5 अगस्त भी है और साथ ही 5 त्रिवेणी लगाकर माननीय मंत्री जी, जिलाधीश महोदय और गांव के नगर के समस्त ग्रामीण जनों के साथ मिलकर ये एक अभियान शुरू किया है रेवा कुंज की पहाड़ी पर। और इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़िले के और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जीवन काल में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करना चाहिए।